कभी-कभी क्या होता है कि हम लोग फॉलोअप करने जाते हैं, कई बार हमें जाना आना का फल हो जाता है। यस और नो? गए, टाइम भी गया, पेट्रोल भी गई, लेकिन जहां गए वो हमसे मिला नहीं, वो हमसे मिलना चाह नहीं रहा। ऐसा होता है? Yes. इसका पीछे क्या कारण है? हम लोग के टाइम में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम लोग की जो नीचे की कड़ी होती थी, जो भी काम हम लोग करते थे वो पूरा रूल के साथ करते थे। क्या करते थे? रूल के साथ। जैसे ही प्रेजेंटेशन से लोग निकला, जो मेरा क्लोजिंग करता था उसको, जो लास्ट की प्रेजेंटेशन के बाद या 1:1 के बाद जो क्लोजिंग होती थी, इतना तगड़ा क्लोजिंग करता था, इतना तगड़ा उसके मतलब नहीं होता है, उसके अंदर में जाके इतना बड़ा वो जादू कि उसके अंदर में घुस करके क्या क्या इसके अंदर में और क्वेश्चन बच गया है, क्या क्या इसके अंदर में और समस्या है, सब चीज उसके चीजों को टटोल के निचोड़ के वो निकाल करके और उसे एक मौका और दे रखता था कि भाई इसी तरीके से मैं भी आज से 2 महीना 5 महीना 1 साल पहले आया था। और जब 1 साल पहले आया था, मैं भी जब अंदर में प्रेजेंटेशन में गया था, हमें भी ज्यादा चीज समझ में आई नहीं। दो ही चीज, चार चीज मोटा मोटा चीज आई थी, और वो 2-3-4 चीज जब घर में बताया था, ठीक से समझा नहीं पाया था, तो पापा तो सीधे मना, मम्मी तो सीधे मना कर दिया था। लेकिन जब मेरे सर आए, वो जब मेरे मम्मी पापा को अच्छा से समझाए, जानते हो मेरे मम्मी पापा हमको 2 चाटा मारे कि तुम इतना अच्छा बताया था, कल अगर बताया रहता तो तेरा एडमिशन कल ही हो जाता। तो दो मिनट का या 1 घंटा का स्टूडेंट कभी प्रोफेसर बन सकता नहीं है। तो जितना अच्छा तुम्हें सर बताएं, उतना अच्छा तुम घर में प्रेजेंट कर पाओगे नहीं कर पाओगे, तुम आधा अधूरा करोगे और सही से मम्मी पापा नहीं जान पाएंगे तो तेरा फ्यूचर बनने वाला है, वो फ्यूचर बनते बनते क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। बहुत लोग अपना टास्क नहीं कर रहे हैं, भयानक कमाने का ऑफर था आप लोग के पास, लेकिन 100 रुपये का अभी वैल्यू कहा है, बढ़ा दे अमाउंट क्या, कई एक लोग मारे जा रहा है अगल बगल देख ही नहीं रहा, उसके साथ साथ वो भी मार रहा है, इसीलिए एसी नहीं मिलना चाहिए। चलिए बढ़ जाइए, कोई बात नहीं, मानने दीजिए, जो सोवत है वो सोने ही आया है, जहां तक डाल लिया होगा पेट नहीं होगा तब वो 4 रसगुल्ला और मतलब गुलाब जामुन और मारा होगा, पता नहीं बाहर मिलेगा नहीं। 25 कोई बात नहीं, चलिए बैठ जाइए, डिस्टर्ब नहीं। तो मैंने क्या बोला कि अगर हमारा पहला अटेम्प्ट ही हम अच्छा से नहीं करेंगे तो जिसको हम लेके जा रहे हैं उसका कोई इज्जत मिलने वाला नहीं है। उसको इतना अच्छा क्लोजिंग करता था, फिर हाइप देता था, अच्छा तुमको सारा चीज सुनने के बाद क्या प्रॉब्लम है, बोल नहीं हमको एजुकेशन पता नहीं समझ नहीं आया, बस इतनी छोटी सी बात, अरे इतना पैसा लग रहा है ये समझ में नहीं आया क्यों, बस इतनी छोटी सी बात, अरे सब चीज तो अच्छा लगा लेकिन हमारा घर में मेरे गार्जियन पैसा देने के लिए राजी नहीं होंगे, बस इतनी छोटी सी बात, जानते हो मेरे को सब अच्छा लगा लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, बस इतनी छोटी सी बात, टाइम नहीं है आपके पास, अरे नहीं नहीं ये सब काम करने के लिए मेरा गार्जियन परमिशन नहीं देगा, बस इतनी छोटी सी बात। मतलब जो जितना कुछ जानना है कि इसके अंदर में आखिर पॉजिटिव सुनना है और उसका नेगेटिव भी जानने का कोशिश कीजिए कि इसके अंदर में वो परफेक्ट लीडर है कि उसके अंदर से खाली पॉजिटिव सुन के खुश ना रहे, क्या सुनना है उसके अंदर में, नेगेटिव चीज क्या है, पॉजिटिव तो है यही नेगेटिव इसको खा जाएगा, इसको हमें क्लियर करना है। जितनी तरह का वो समस्या दिखाए बोला बस ये छोटी समस्या, जानते हो एक हमारी मैडम है, एक हमारे सर है, किसी भी नाम ले लो जो वहां का बेस्ट फॉलोअर होगा, जिसको आप आइकॉन मानते होंगे, जिसको ले जाने के बाद सारा डीडी पक्का हो जाता होगा, उसका हाइप दीजिए। वो जानते हो जो स्टेज चढ़ी थी वो मैडम, यहाँ तो हम बोल नहीं सकते किसी को, किसको बोल रहे, फॉर एग्जाम्पल क्या नाम अनिल, हाँ कि जानते हो जो अनिल कल सर, जो अनिल सर जो प्रेजेंटेशन कर रहे थे वो कोई आम हस्ती नहीं है, वो आज सैकड़ों की जिंदगियां चेंज करने का इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर बन चुके हैं, हजारों हजार की जिंदगियां बदले हैं, आज उनके पास एक्सपीरियंस 4 साल की एक्सपीरियंस है, और ये प्रॉब्लम, ये जो तेरे पास प्रॉब्लम है ना, अगर वो सर के पास टाइम निकल गया और वो सर आपके, तुम चाहते हो करियर बदलना, बोला हाँ क्यों नहीं चाहते हैं, बस यही छोटी छोटी समस्या है, अगर ये सब समस्या दूर हो जाएगा तो सब करेंगे, मनी प्रॉब्लम हाँ चुटकी में सॉल्व कर देंगे, टाइम प्रॉब्लम अरे टाइम तो यू ही निकाल देंगे, गार्जियन अरे ये पहुंच गए ना तो तेरे गार्जियन का कोई और तेरा आएगा, सबका परमिशन दिलवा देंगे, लेकिन दिक्कत यही है,
यही कि उनके पास टाइम बहुत बिजी है, बहुत बिजी है, उनके पास मिनटों का टाइम नहीं है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। अभी बात करता हूं, तो ऐसा करना अगर उनका टाइम मिल गया तो तुम रेडी रहना। हम जैसे टाइम लेता हूं उनसे, अगर वो तेरा घर चल गए हैं तो जिस तरह मेरी जिंदगी को बदले हैं ना, उस तरह तेरी जिंदगी भी बदलने में होते मेरे को बनाने वाले वही हैं, और मेरे को नहीं, मेरे जैसे जैसे सैकड़ों को बनाए। अभी क्या हुआ है ना, हाइप देना लोग भूल गया है। क्या करना? हाइप देना लोग भूल गया है। अब लाइफ को हाइप नहीं दे पाता है, उसका वैल्यू नहीं बता पाता है। ऐसा उसको बता के ऐसा बुला के ले जाता है जैसे बस दुनिया का सबसे बेगरिया इंसान पड़ा हुआ था। आ गया साला मेरे घर में, इसी तरह की इज्जत देता है तीन जगह जाने के साथ। हेलो, आपको कौन बुलाया? कहा है मेरे पास टाइम नहीं है, चलिए। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप उसको हाइप दिए, इनवाइटी को एकदम पूरा स्क्रू टाइट नहीं किए हैं। सारे को इतना स्क्रू टाइट कर देंगे ना कि अगर लूज मोशन भी लगा रहे तो वो भी ना निकले। हाँ, हम लोग तो ऐसा ही करते थे, ऐसा बड़ा मार देते, ऐसा एकदम माइंडसेट करते थे। इनवाइटी का माइंडसेट हो गया उसका, अगला का हाथ दे दिए, वेट हम कॉल करते हैं सर को, आपके लिए टाइम लेने का कोशिश करते हैं, रूप देख तेरे सामने ही बात करते हैं, कितना बिजी होंगे सो दिखा देते हैं, तुरंत लगाएं। उसको लगना चाहिए कि मेरे लिए ये रियल दिल से सही में मेरे सामने इन्होंने रिक्वेस्ट किया है। यस और नो? यस। और तेरे सामने मैं लगाता हूँ, पूछता हूँ। लगाया, टिंग 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 टिंग। हेलो सर, अनिल सर। हाँ हाँ, बोलो 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 रमेश। हाँ अनिल सर, एक 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 छोटी सी बात थी सर, एक मेरा दोस्त आया हुआ था, बहुत अच्छा दोस्त है सर, पर जिनसे सर उसको ना बहुत गजब का लगा, सब चीज बहुत अच्छा लगा सर। छोटी सी एक समस्या है। क्या है? छोटी 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 एक दो समस्या है सर। अगर आप 10 मिनट सर, कितना? 10 मिनट। क्या बोलेंगे? 10 मिनट। 10 मिनट अगर आप निकालेंगे ना सर मेरे लिए, जैसे मेरी जिंदगी चेंज हुई है, मेरा दोस्त का जिंदगी चेंज हो जाएगा सर। सो प्लीज सर, मैं चाहूंगा कि कल, हम जानते हैं सर आपके पास टाइम बहुत कम रहता है, जानते हैं मैम आपके पास टाइम बहुत कम रहता है, लेकिन मैम प्लीज मेरे लिए क्या कीजिए, 10 मिनट। क्या कीजिए? 10 मिनट प्लीज। अगला कहे, नहीं बाबू कल तो मेरा इतना, तू देखा ही था कितना, कितने लोग आएंगे ऑफिस में, कितना भीड़ रहेगा सर, आई नो एवरीथिंग, हम जान रहे हैं सब चीज, लेकिन प्लीज प्लीज सर प्लीज। अच्छा चल ठीक है, तो अगर इतना जीत कर रहा है ना, तो कल मैं टाइम निकालने का कोशिश करता हूँ, ठीक ना? बताता हूँ, आई एम नॉट परफेक्ट, लेकिन तुम बोल रहा है तो तेरे लिए मैं निकालूंगा टाइम। क्या हो गई? अब उधर फोन काटा, इसको बोला देख बेटा तेरे लिए, तेरे लिए, किसके लिए? तेरे लिए मैं निकालवा रहा हूँ। इसको एहसास होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इसको आप क्या करके भेजना, तू घर जा, जितना बताना है तू मम्मी पापा के बता, टेंशन मत ले, कल कितना बजे तू घर जाके हमें बताना कि कितना बजे तेरे घर में तुम, तेरे मम्मी, तेरे पापा प्रेजेंट है। तू मेरे को बता, मैं उतना बजे कोशिश, तू पहले तू बता कि कितना बजे आने से अच्छा रहेगा। अब हम सर को निकाल के लावे और पापा खेत में हल चला रहे हैं, मम्मी गई है खेत में और वगैरह खेती करने, तो मेरा सर का भी आना, हमको गाली अलग से खिलवाओ, तो ऐसा समय घर में जाके बता, और क्या क्या और दिक्कतें आती है वो भी हमको तो फोन पे बता देना, ताकि हम सर को बता सके और वो सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सर तैयार होके आगे करने के लिए। यस और नो? यस। हो गया परफेक्ट, वो घर भी गया, घर में जाकर वो आपको कॉल भी करेगा, कल मम्मी पापा का सही से टाइम भी लेके रखेगा। अब जब निकल गए, कभी कभी क्या होता है कि अपना इनको ले गए है 20 मिनट तक बाहर द्वारे पे खड़ा है, क्योंकि दे आर नॉट रेडी, लड़का कहीं और गया हुआ है, पता चला कहाँ है, तो मोदी जी शौचालय देने के बाद इस तरह उसमें बकरी बांध के लोग डाले के खेतवा तरफ गया हुआ, घर में मानव तारी तालाब तरफ गया हुआ है, जिसका फॉलोअप करने के वही नहीं है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका कम्युनिकेशन गैप है। क्या गैप है? कम्युनिकेशन गैप। वो बोला हमको कितना बजे, 7 बजे आइएगा, मेरा काम है 6 बजे उसको कॉल करना कि भाई 7 बजे नहीं 7 बजे। मैंने 6:30 में सर को लेकर निकल गया, निकलने से पहले फोन लगाया, गाड़ी का हॉर्न सुना, देख रोड में है, निकल गए, रेडी रहना, चौराहा पे आ जाना, तेरा घर हमें देखा हुआ नहीं है, अगर चौराहा पे नहीं मिला तो हम लोग और आगे निकल जाएंगे, तुम वेट करते रह जाओ। कहाँ रहना है? चौराहा पे। उसका घर पहुंचने से 10 मिनट पहले उसको कॉल करना, पहुंच गए हैं, पहुंचे हो चौक पे, नहीं पहुंचे हो? हाँ सर पहुंच गए, हाँ भैया पहुंच गए, हमसे एक्टिव उसको रखवा देंगे, कम्युनिकेशन में दम होनी चाहिए। चल रहा हूँ आप वहां गए चौक पे, गाड़ी रोके, तुरंत एक इंट्रो करवाना है तगड़ा, जैसे गाड़ी रोके देखा, अरे
लड़का तो मेरा खड़ा है, आईडी तो खड़ा है। तुरंत हमने उतरा, मैंने बोला वाह गुड मॉर्निंग रमेश, गुड मॉर्निंग रमेश। रमेश जिस सर का बात कर रहा था यही हुए अनिल सर, टाइम तो नहीं था लेकिन तेरे लिए आए। और सर ये हमारा दोस्त हुआ रमेश। कौन है रमेश? बहुत अच्छा लड़का है सर, मेरे से भी ज्यादा जीनियस है। अगर इसकी प्रॉब्लम सोल्व हो गई ना सर तो हमसे बड़ा सक्सेस करके ये दिखाएगा। तो आप ये दोनों इंट्रो कर ले और ओके रमेश ओके हाँ सर गुड मॉर्निंग सर आप निकले कहाँ गाड़ी की ओर। हम लोग पहले कहते थे बेटा जहाँ बात होगी वो बात होगी सेक्रेट जगह पे, ऐसा नहीं मोहल्ले में चौराहे में जहाँ खड़े हो वहीं बता दो। कभी कभी ऐसा होता है गार्जियन चौराहा खड़ा है तो इतना दंड है वहीं बोलता है यही बता दो क्या बताना है दस लोग और खड़ा है यही बता दो। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आप पहले से रूल रेगुलेशन बता के गए नहीं है। टाइम नहीं है अपने हाथ में, लूज कहीं मत होइए। उसको बोलिए मतलब नहीं होता मिसबिहेवियर हमें नहीं चाहिए। डिसिप्लिन भाई, डिसिप्लिन का मतलब जो आ रहे हैं एक सेपरेट जगह होनी चाहिए, तेरा घर का एक सेपरेट कमरा होना चाहिए जहां पे कोई हल्ला गुल्ला नहीं होना चाहिए, वहां पे वही लोग बैठा होना चाहिए जो समझना चाहते हैं। फालतू लोगों का आवागमन वहां मना है, पहले बता दिए या चल रहा हूँ आप जाएंगे तो उसको पहले इशारा कर दिया, वहां उनको कहना पड़ेगा रूम कहा है नहीं है तो पहले से कहा हुआ है वो सीधे लेते ये हमको लेते जाएगा आइए आइए या चल रहा हूँ रूम में बुलाएगा माँ बाप को बुलाएगा बिठाएगा। उसके बाद मेरा सर का फर्ज है पूछना कि कोई और आएगा क्या, कहा नहीं बात शुरू करें शुरू कीजिए। पहले डू और नॉन बता दिएगा, बीच में घुसेगा कभी कभी क्या होता है सर बीच में आधा बता दिए उसके बाद आया है कोई आधा रामायण खत्म हो गया है आए कुंभकर्ण का हत्या हो चुका है आप उसके बाद पूछता है कि ये काहे लड़ाई हुआ था सीता हरण हो गई है तो रावण को काहे मारा आप पूछ रहे हैं तुम शुरू से देखा रहा था ना तो कैसे सीता हरण हुआ है क्यों रावण को मारा गया साफ समझ में आधा बात आया है सुनने उसके बाद अंत में कहता है समझ में उन्होंने उन्होंने फालतू है वैसे लोग स्ट्रिक्टली मना किया था ना नहीं बैठना है अगर ये बैठेगा तो हम चले चाहे हम लोग रहते थे ताव से नहीं लेते थे गिर के कभी नहीं लिए समझ बात को तुम लोग लूज हो जाते हो ये आया बैठने दो वो आया बैठने दो ये आया बैठने दो तब वो आपको परफेक्ट होने देगा जानो साला जो अंत में निधि बिगाड़ेगा वो पीछे में हम ताव में निकल गए ना उसको भी एहसास होगा कि हम इस बिहेव किए थे इसलिए सर चले गए ये लोग परफेक्ट इंसान है हम वादा खिलाफी किए इसलिए चले गए उसको एहसास होगा आपको वो परफेक्ट मानेगा वो आपको कॉल करेगा सर गलती हो गया था सर दोबारा ऐसा गलती सर दोबारा आ जाइए चाहे दोबारा बता ये होता था हम लोग के साथ समझवाने बात को एक दिन मैं फॉलोअप कर रहा था दो दिन तो उस इतना उदन उदन ला करके कुछ लड़कियां लीडर थी आकर के मेरे रूम में फॉलोअप हो रहा था अब आया आकर के क्या कर रहा है टेबल कुर्सी रास्ता नहीं था मेरा चौकी था सोने वाला लॉज में मैं चेयर पर बैठा हुआ था उन लोग को ऊपर बैठाया उसके बाद क्या किया वो कुछ देर करते 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 पालकी पे पालकी मार के बैठ गया फिर कुछ देर करते करते क्या देखो दीवार में लटक गया है मेरा गुस्सा बढ़ते जा रहा है कुछ देर बाद क्या देख रहा हूँ बाल खुला रहा है जब हाई ले रहा है हमने क्या किया बताते बताते अचानक पेन में अपना जो पेन का कवर होता है ना उसको डाला डायरी को क्या किया मोड़ा डायरी मोड़ने के बाद बोला अचानक सब चुप हो गए उतना अभी लड़की बैठी थी करवाने के लिए फॉलोअप हमें किसको लेके आ जाते हो तो जिंदगी में करियर की दरकार है ऐसे लोगों को तो मेरे पास लेके आए हो नहीं होगा ऐसे लोगों को यार कसम से बोलता हूँ और गुस्सा इसलिए आ रहा था ना मॉर्निंग से दो दिन फॉलोअप कर चुके थे पढ़ने वाला था दास भूख से पेट पूरा तरह ही माफ हो रहा है अब हम कैसे लगे एटीट्यूड अलग दिखा रहा है आप उसको मैंने भगाया माँ कसम स्मार्ट वैल्यू की कसम बोल रहा हूँ भाई आंसर नहीं होगा इसका बोला ऐसे लोगों का यहाँ स्मार्ट वैल्यू नहीं खोलता है जिसके अंदर में डिसिप्लिन नहीं हो जमाए ले रहा है हाथ मार के बैठा हुआ धीरे धीरे ये तो कुछ देर में सो जाएगा वो लड़का दहाड़ा पत्ता भागो मतलब निकल निकल रूम से आप वो लड़की डर गई चली 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 भाग गई भाग गई अब क्या हुआ मेरा लॉर कोई जो कच्चिया रास्ता था फिर पड़ता था पक्किया मतलब पक्का रोड था वहाँ एक मेडिकल दुकान रहता था एक पेड़ था मैंने भूख तो लगा हुआ था मैंने कहा चलो निकला सका
निकला, मैं देख ले, मैं क्यों देखा मालूम, और भगाने के पीछे मैं कारण, वो सबसे एक देखना हजारीबाग को जो जोर नहीं था वो मॉडलर भी था और बहुत लंबा भी था, अभी पुलिस में हो गया है, झारखंड पुलिस में अभी भी मिलता है, और इतना हमसे दुगुना हाइटेड था और उतना ही हैंडसम, मतलब कॉलेज का विनर था, मतलब कॉलेज में होता था, क्या बोलते हैं उसको, फैशन शो जो होता है ना, फैशन शो, हाँ, तो कॉलेज में कोलंबस में होती थी, वो फर्स्ट विनर था वो लड़का। तो मैं देखा सबसे पहले लाया उसी समय से मैं नेगेटिव था कि इसका ज्वाइनिंग करवाएंगे तो ये सारा बाद में जाके प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, लोकल कोडरा का था, अब यार मॉडलर तोड़लर है ये लड़का, काम करेगा हम लोग जिससे मेहनत कर पाएगा, फुटानी वाला है, लंबा लंबा बाल, हीरो वाला वही मॉडलर वाला, हम क्या किसको उठा आया था उसी समय से नेगेटिव थे। उसके बाद उसका बिहेवियर देख के हम तो मौका ढूंढ रहे थे इसको भगाना है, सारे को इसको लेना नहीं है, ये पूरा कचरा कर देगा आने के बाद, मौका पॉइंट भगाए। उसके बाद वो निकल गया, वो लोग साइकिलें सीधी लेके आई थी, हमने अपना पल्सर निकाला, रूम में खाना बनाने मौका नहीं मिला था, हम सोचे चलते हैं कोई कचौड़ी जिलेबी खा खाएंगे, 10 बज गया है, मैंने बाइक से निकला, देखा वही पेड़ के सामने वो लड़की उसको धोए जा रही है, धोए जा रही है, तो मेरा इज्जत को मिट्टी में मिला दिया, तुमको क्या मतलब, उसको 100% रेडी करवा दी थी कि वहां से फिर लेके आ रही थी, चलो सर के सामने माफी मांगो, ठीक ना, आप जैसे मेरा गाड़ी देखी ना धड़ाक से आगे आ गई, अनु सिंह जी, अनु वाली और दोनों बांध जो काम करती, सर 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 प्लीज सर सर, तुम्हें क्या हुआ, वो लड़का सर गलती हो गया सर, मैंने करियर बना दी थी सर, सुनो मैंने बोला भाई 10 बज गया था, 10:30 होने वाला था, हम कहे अभी SBI उस समय DD एक्सेप्ट हो चुकी है, 1 रुपया कैश नहीं, मैंने बोला चार लड़का भी DD बनाने के लिए SBI के पास क्या है खड़ा है, 20 से 25 मिनट लग सकता है, उन लोग का फॉर्म भरवा के लाइन में खड़ा करवा के और मैं आता हूँ, वेट करना, कहाँ जाना, मैं वहां से गया, क्या करके नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद जब फील्ड में गया, हम कहे देखते हैं अगर वो करने वाला होगा तो अभी तक खड़ा होगा, मां कसम बोलता हूँ वही दोनों खड़ा, इतना मेरा बताने के बाद बेइज्जत करने के बाद आधा घंटा 45 मिनट मेरा वेट कर रहा है, ये तो आएगा नहीं आएगा, आया बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद होता है ना पल्सर लिया यहाँ से, वही पल्सर लेने के बाद स्टेज मिलने के बाद मॉडलर तो था ही, भगवान ने खूबसूरती कुट कुट के दी थी, और जो खूबसूरती उसका क्या हो गया काल बन गया, और जो ऊपर से 2006 में अगर किसी को पल्सर मिल जाए 2006 समझ रहे हैं उसकी महत्ता कितनी बढ़ जाती थी, सब बस खाली फिसलने का देर रहता था, तेल गिरा के तो लोग पहले बैठे हुए फिसलो तो तेरी जिंदगी बर्बाद, वो लड़का वही किया, गाड़ी लिया मॉडलर को था ही, थोड़ा इधर उधर लाल पीला हरा नीला में पिसला, इतना बड़ा लीडर बनाने के बाद खत्म, हम कह जा तेरा यहीं तक जर्नी, तो क्या रखना है एटीट्यूड, क्या रखना है एटीट्यूड, फॉलो उसूल का है, अगर उसूल से बाहर निकले फिर आपका बेइज्जती तय है, उसूल के अंदर में बात करेंगे, यस और नो, कहीं गिर के नहीं, वो मेरे पास गिरने आए हम गिरेंगे नहीं, जिस दिन आप गिर गए रिक्वेस्ट से कहीं काम नहीं बनती है, टेकिंग अवे से बात बनती है, मैं अगर उसका वो नहीं मुझे निकाला रहता, वो जिस तरह जमाई में आधा मन से सुन रहा था, अंत में पक्का वो डीडी नहीं बना, उसकी जो बेइज्जती की है ना, उसको भगाए ना, उसको तुरंत वैल्यू समझ आ गया कि ये मेरे लिए नहीं है, हमारे लिए ये नहीं बैठा हुआ है, हम अपने लिए यहाँ आए, अगर ये मेरे लिए रहता तो रिक्वेस्ट करता, ये तो सीधे भगा दिया, यस और नो, लेकिन अब हाथ अभी नहीं उठाना है, मौका बाद में देंगे, करेंगे ऐसा, अब इतना जब करके अब वहां जब घर में गए तो ये लड़का का काम है, रमेश का काम है इंट्रो करवाना अपना माँ बाप से कि मम्मी ये मेरे दोस्त है दिलीप, और मम्मी ये सर हुए जो आज काफी सक्सेस है, सैकड़ों हजारों की जिंदगियां चेंज करवा चुके हैं, एक मुकाम पा चुके हैं, मम्मी टाइम नहीं लगता है, इन्हीं के बारे में आपको मैं कल से बता रहा था, आइए सर, क्या करना है, आइए सर, आओ भाई, दोस्त को भाई कहें, भैया जो करना, आइए भैया, आइए आइए बैठिए, उनका काम है मम्मी से अगर सीनियर है तो प्रणाम पति कर लेना, जगह दिखाना इसका काम है, बैठाना इसका काम है, थोड़ा वहां पे, फिर अब इनका काम है क्या, उनका मम्मी से थोड़ा फीडबैक लेना, पापा जो गार्जियन है उससे फीडबैक लेना कि आपका बेटा कल वहां गया था, आपकी बेटी कल वहां गई थी, क्या बताया आपका बेटा ने, क्या बताई आपकी बेटी ने, बहुत का गार्जियन कहेगा हाँ कुछ कुछ बताया लेकिन समझ में
नहीं आया। बता रहा था कुछ पढ़ाई, कुछ शिक्षा, कुछ एजुकेशन, 18-17 हजार रुपया बता रहा था, लेकिन हम लोग को समझ में नहीं। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं आंटी, एजुकेशन बताया, इतना बताया, आपको समझ में नहीं आया, मैं आ गया हूँ, चिंता करने की कोई बात नहीं, सारा चीज आपका हम क्लियर कर देंगे। कहीं कहीं सुनने जाइएगा तो पूछिएगा, कुछ बताया आपका बच्चा ने, तो क्या बोलेगा, ना कुछ नहीं बताया है। मतलब वो लोग कल प्रेजेंटेशन में गया है, वो माँ बाप से पूरा हाइड रखा है, दोनों में आपको हैंडल करना है। अगर वो बोला हाँ ऐसा ऐसा बताया है, वहां हैंडल किए कोई बात नहीं, अब हम आ गए हैं, सारा क्लियर कर देंगे। अगर वो वहां कहता है कुछ नहीं बताया है, तो थोड़ा लड़का को क्यों भाई रमेश, क्यों नहीं मम्मी को बताया, क्यों नहीं पापा को बताया, दिस इज वेरी बैड, बताना चाहिए तेरे को। चलिए आंटी, शायद आपसे डर गया होगा, नहीं गया होगा, लेकिन मैं अब आ गया हूँ, मैं बताता हूँ। जानते हैं आंटी, जहाँ पे आपका बच्चा कल गया था, जिस सिलेक्शन में गया था कल, देखिए हाथ कैसे देखा, जिस सिलेक्शन में गया था वहां पे कल सैकड़ों लोग आए थे, कितना आए थे, 10, 20, 50, 100, 200, 500 नहीं बोलना, सैकड़ों। वर्ड को क्या यूज करना है, 999 को हम सैकड़ों कहते हैं, 99,999 को हम हजारों का, अभी लाख नहीं पहुंचा है कुछ का में, ऐसे नो सैकड़ों में 999 लोग भी खला सकता है, ऐसे नो तो कहेंगे सैकड़ों लोग वहां कर गए हुए थे, कई एक लोग को तो वहां छांट दिया गया, कई एक लोगों को तो वहां छांट दिया गया, लेकिन जानते हैं आपकी बेटी से जितना कुछ पूछा गया, आपका बेटा से जितना कुछ पूछा गया, इन्होंने 100% चीजों को बहुत बारीकी के साथ, बहुत नॉलेज के साथ इन्होंने क्या दिया, जवाब, जिसके चलते इनका सैकड़ों को नहीं हुआ और इनका वहां पे सिलेक्शन हो गई है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ चुकी है, उसका माँ बाप का सीना थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा मेरा नलायक बेटा और मेरी नलायक बेटी, जिसको हम निकम्मा समझ रहे थे, जिसको हम सला बदमाश समझते थे, ये भी कहीं मेरा सर ऊंचा करके आया है, मतलब ये भी इसमें कुछ क्वालिटी है। क्योंकि आज के समय में मैक्सिमम गार्जियन अपना बेटा और अपनी बेटी से क्या है, तारीफ सुनना चाहता है, सब अपना माँ बाप को एक अलग टेंशन देते रखा, और टेंशन का मेन कारण क्या है, हेलो टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, यस या नो, कोई बेटा अपना बाप से और अपनी माँ से, प्लीज किसका मोबाइल ज्यादा इमरजेंसी में है, देखिए देखिए उसको, जिसका वही सामान जिसका व्यक्ति, क्या बात करना है कि कहिए इधर इधर छोड़ दीजिए, उधर सब उधर ही, पता नहीं चिंता, ना खाने का चिंता, ना ब्रश करने का चिंता, सोता है 3 बजे उठता है 11 बजे, आजकल का सब तो पहले तो जगवार लोग सोता था, जगता था जगवारी जो करता था, चौकीदार जो करता था, उल्लू लोग को जगने का काम था, लेकिन आजकल उल्लू लोग आराम से सोता है, कहता इतना जो उल्लू पैदा हो गया है दुनिया में, फेसबुक में बिजी है 3 बजे रात तक, कोई व्हाट्सएप में बिजी है, कोई टिकटॉक में बिजी है, कोई इस टेंशन में परेशान है, कौन लाइक किया और कौन कमेंट किया कि नहीं किया, और ज्यादा टेंशन होता हो जाता है कि साला रे मेरा देख करके सीन किया व्हाट्सएप में लेकिन जवाब नहीं दिया, बड़ा टेंशन। तो हर घर में ये प्रॉब्लम है कि नहीं है, हर कोई अपना बेटा बेटी से परेशान है, 100 में से 80% परेशान है, सब अपना बेटे बेटे को निकम्मा समाज घोषित कर चुका है कि इससे दुनिया में कुछ होने वाला नहीं है, कई लोग ये भी कह चुका है भगवान ऐसा कुकुत देने से पहले बांध रखते टाइम पर कह चुके अपना बेटा बेटी को कि तेरा बेटे तेरे जैसे बेटी मिलने वाली थी, ऐसा पहले पता रहता तो यही से खत्म कर दे, कह दिया है इतना वो अपना माँ बाप को जला दिया, ऐसे और ना मतलब अपना बेटा बेटी से उम्मीद खो दिया है लोग, और वो उस घर में जाके आप कह रहे हैं कि आपकी बेटी ने इतना अच्छा करी है, आपका बेटा ने इतना अच्छा करा है, उसको लगता है ना बुझता हुआ दिया में एक चिराग दिखाई दे रहा है, yes or no? Yes. जानते हैं उसको जो सीना होगा चौड़ा होगा सर ऊंचा होगा बाहर चला है, कहीं तो मेरा नाम अच्छा करके आयो, तेरा बेटा अच्छा है, मुअल्लम तो सब कहता तेरा बेटा निकम्मा है, खुद तो बिगड़ा है, मेरा उन्हें भी बिगाड़ रहा है, पहली बार सुनने में आया तुम अच्छा करके आयो, चल अच्छा करके आयो, तब बैठते हैं, मतलब उसके गार्जियन को एक आशा जगा है, क्या जगाना है आपको, आशा, आप कहिएगा वहां जगह रहे आपका तो इतना नालायक बेटा है, फालतू है फलना, तो इसको सर्टिफिकेट देने का आपको क्या जरूरी है, हमको पता है इससे कुछ होने वाला नहीं है, क्या देना है उसकी वैल्यू बताना है, उसकी क्वालिटी बताना है, वो लड़के को अच्छा बताना है, वो लड़की को अच्छा बताना है, भले वो अंदर
लोग कहे ना ना मेरा बेटा से कुछ नहीं हुआ है, मैट्रिक में फेल किया है, इससे कुछ होने वाला नहीं है, ये निकम्मी है, ये फल नहीं करती है, टिक नहीं करती है, इससे कुछ होने वाला नहीं है, ये कहिए तेरा मेरा पैसा ये कर चुकी है वो कर चुकी है, ऐसा सुनने मिलता है नहीं मिलता? साहब सुनिए, बोलिए कोई बात नहीं अंकल, मौका देना चाहिए। यस योर नो, शायद आज तक इसको आप सही मौका नहीं दिए। जानते हैं अंकल, उंगली मारना डाकू का नाम सुने हैं अंकल, हमसे आप बड़े हैं, जरूर सुने होंगे, हमने सुना था, हमने भी किताब में पढ़ा है। जब उंगली मार डाकू दुनिया भयभीत थी उससे, सबका उंगली काट लेता था, गर्दन काट के उंगली काट के माला पहनता था। जब उंगली मार डाकू सुधर सकता है तो इसमें क्या, अगर अभी से, अभी इसका उम्र क्या गया है अंकल, अभी तो 18-19 साल हुआ है, 20 साल हुआ है, अगर अभी से इसको आप इतना, मतलब आप है दृष्टि से देखेंगे, इसको आप अभी से खराब करना शुरू करेंगे, ये खराब नहीं भी होगा ना अंकल, तो ये धीरे 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 क्या हो जाएगा, ये मेरा मानना है अंकल, ये खराब नहीं है, शायद इसकी संगति वैसी मिली, शायद इसका फ्रेंडशिप वैसा मिला, शायद इसका माहौल ऐसा मिला जिसके चलते शायद ऐसा हुआ, बहुत अच्छा कर सकता है, क्या करना है उसको, क्योंकि फॉलोअप होने से पहले ये सब इशू आता है कि इसके बारे में हम, इसके बारे में आए हो, इसके बारे में हम कुछ सुनना, 17,000 बोल रहा है, हम 17 रुपया भी इसको नहीं देंगे, इसके इससे मेरा ट्रस्ट नहीं उठ गया है, काहे उठ गया है अंकल, आज से एक साल पहले लिया था 2,000 रुपया की ट्यूशन करेंगे पापा, इस साल 2,000 रुपया रेस्टोरेंट में पार्टी मना है, ट्यूशन में पता किया तो हमको एडमिशन है, धोखेबाज है, धोखेबाज बहुत देखा दे चुका है इसको, आप भाग भागे हम पर, और आप भी चले जाइए यहाँ से, प्रणाम करते हैं आपको, इज्जत से आप चले जाइए, ऐसा होता हो फूल माइंड से एग्जाम्पल देकर उनको समझाना है, उनको समझाना है अभी कहाँ गलती किया है अंकल, अभी ये छोटी छोटी गलतियां हैं, अगर यही तरह रहेगा ना तो एक दिन ऐसी शायद ये गलतियां कर देगा ना, अभी उस समय आप बर्दाश्त नहीं करते, अभी ये सुधर सकता है, अभी ये अपने रास्ता बदल सकता है, थोड़ा सा हैप देंगे, आशा दिखाएंगे, वो इंसान कहेगा सही में मेरे घर में कोई एक इंसान आ, कोई एक समझदार इंसान आ, यस या नो, हम जितना इसको कुछ कहना चाह रहे हैं ये इतनी अच्छी बातों से मेरे को इसके बारे में अच्छा कर रहा है, मतलब साला हम कैसा निकम्मा बाप है कि मेरा से ज्यादा चिंता मेरे बेटे के बारे में कौन कर रहा है, अगला कर रहा है, बैठेगा कि नहीं बैठेगा, यही तो हम चाह रहे थे, बैठो तो मेरे साथ, यस या नो, यही तो मौका चाह रहे, 5 मिनट आधा घंटा बैठ तो जाओ, 10 मिनट तो बैठो, यस और नो, बस मौका मिल गया अब बैठ गए, यस और नो, बैठे आप फॉलो करना और अपना जोहरी दिखाना, मीन आप हम अपना नॉलेज दिखाना चाहूंगे, क्या दिखाना चालू किया, नॉलेज दिखाना चाहूंगे, अब मेरी बारी आई है दिखाने का, जो मेरे पे इतना फेथ करके, अब अनिल की बारी है अपना ताकत दिखाने का, अपना नॉलेज दिखाने का, जो मैं इतना कल से हाइप दिया हूँ, अब साला जिसके बारे में हाइप दे रहा हूँ, जिसको मैं ले गया हूँ, वो खुदे फैल है, उसको कंपनी का सी नहीं आता, ऑब्जेक्टिव आता नहीं, बैकग्राउंड आता नहीं, कोर्स आता नहीं, आउट ऑफ सिलेबस का कोई नॉलेज है ही नहीं, प्रेजेंस ऑफ माइंड कुछ है ही नहीं, है कोई फायदा हुआ ले जाने का, इसीलिए मैंने कहा कैप्टन को परफेक्ट होना चाहिए, मैं इतना हाइप दिया हूँ उसके अंदर में रहना चाहिए, मेरे को इतना बड़ा भगवान बना के ले जा रहा है, हम उसको प्रूफ करके दिखाएंगे, तू जो मेरे पे ट्रस्ट किया है तेरा ट्रस्ट को खाली जाने नहीं, जब भी वहां बैठिए पूरे सलीके के साथ में सारा फूल्स वगैरह लेकर के, आप यहाँ पे आप और कंपनी कभी भी, बाबा रामदेव कभी नहीं कहता है कि मेरा अमला पियो, मेरा गिलोय खाओ, मेरा कौन कौन भट्टी करो पियो, मेरा प्रोडक्ट लो, कभी नहीं करता है, पहले क्या कहता है, योगा करो, कपाल भाति करो, कभी नहीं कहता है दवा खाओ, कहता पहले योगा करो, ऐसे अन्ना।